राजस्थान हो गया, ठीक है, पेरू और दूसरा हो गया पेरिस, ओके वेरी गुड, और तीसरा तीसरा हो गई सही है, क्या बोलते हैं यार उसको, सही है सही है, पेरिस पुर्तगाल, वेरी गुड, सॉरी सिर्फ दो रहती हैं और चौथा हो गई Yo, what's up guys, welcome back to my channel and you're watching RVTV React, and if you're new to the channel then please subscribe to the channel, like this video, don't forget to turn on that notification bell, right? So, I chai feri request ho yo sabai jana aaja chai ma TikTok live ma janda kheri sabai le malai bhanu bhayeko thiyo Izma ko chai blog react garnu ekdamai ramro cha jun chai maine check kiya hai ghar walo ka IQ level wala video thiyo, so obviously tya IQ ko level ko question hune wala cha sabai jana lai, and you know I have reacted couple of videos of Izma and it's so fun, the way I see it exactly like Alize ko jastai ke, so much fun, so much haina tyo huncha ni masala and tespachi so much of bhanum na kurai kura haru ke, so much of conversation, hopefully this vlog gonna be very very interesting, tebar alikati lamo cha aba tespachi pani chani khanu bhat chaina bhane chatta pani lyaera side ma rakhnu guys, break chaina lagatar 30 minute ko reaction video huna gairheko cha, so let's watch and let's react and let's have fun hai ta, so let's watch. Assalamualaikum guys, welcome to another vlog. तो वैसे मैं कितना मतलब स्टार्ट होती है डायरेक्ट टॉपिक पे आ जाती हूँ ना, अच्छी बात है, ठीक है, मतलब ज्यादा ना तुम लोगों का टाइम वेस्ट ना मेरा टाइम वेस्ट, डायरेक्ट बात. तो यार मुझे ना जल्दी से तुम लोगों को बताना है कि आज के मतलब टाइटल से तो आज तुम लोगों को पता लग ही गया होगा कि मैं आज क्या करने वाली हूँ. तो बेसिकली सॉरी आई नो मैं पता नहीं क्या बोल रही थी, एक सेकंड में सही से मैं फिर से एक्सप्लेन करने की ट्राई करती हूँ, इसलिए मैं पिछले वाले में पता नहीं मैंने क्या बोल दिया, बट सुनो मेरी बात सुनो, समझाने की कोशिश करती हूँ. देखो जैसे कि आई क्यू के क्वेश्चन होते हैं, एक होते हैं मतलब जो कि मतलब एक नॉलेज वाले साइड पे जाते हैं, ठीक है, वो वाले क्वेश्चन नहीं है, बट एक होते हैं जो पहले पहले आई डोंट नो हाउ टू से दैट, अभी क्या बोलते हैं उसको, या ओके हाँ ट्रिकी क्वेश्चन, आई गॉट इट, सॉरी दिमाग में नहीं आ रहा था, हाँ तो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सो दिमाग लड़ेगा तो ही जवाब देगा बंदा, ठीक है, ऑफ कोर्स रैंडम बात है, मतलब एक ह्यूमन बीइंग है और आप आगे जाओगे उसके आगे एक क्वेश्चन पूछोगे एंड दे हैव टू आंसर विद इन अ मिनट, तो फिर तो मतलब दिमाग तो गाइस आई डोंट नो हाउ स्क्रीनशॉट हो गई. सो गाइज आई एम बैक, ठीक है, एक्चुअली बहुत मैंने सुबह सुबह बनाई थी इंट्रो, बट फिर क्योंकि पूरी टाइम गुजर गई, सब अपनी चीजों बिजी थे, फिर अभी थोड़ी देर पहले मैंने लाइव एंड किए, तो अभी आई थिंक सारे अपने अपने रूमों में, ठीक है, मैं सबके पास बड़े सुकून से जाऊंगी, सबको बताऊंगी कि क्या सीन है, ठीक है, क्या चीज़ है शेर पीछे, आई लव शेर, टिकटॉक वाले शेर नहीं पड़ रहे आजकल, तो क्या हुआ मेरे पास ये रियल शेर पड़ा है, जब मुझे टिकटॉक का शेयर नहीं पड़ता मैं इसे देखती हूँ और खुश होती हूँ, और नहीं तो क्या, तो ओके अरे पापा दिख गए मुझे अभी बता दी उनको, ओके ये देखो अब वो बिल्ली के साथ क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा हो गया यार कसम से स्मोकू, पापा का बेटा छोटा क्या, पापा एक आपके लिए चीज है, ठीक है, आज का मतलब मैं आपको बताती हूँ, मैं आपसे स्टार्ट करूंगी, ठीक है, तो आज ये है कि मैं हर घर के शख्स के पास जाके उनका आईक्यू लेवल टेस्ट करने वाली हूँ, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, ठीक है, तो आपका होगा आईक्यू लेवल टेस्ट और बिना किसी चीटिंग के होगा, ठीक है, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, अगर आपने उनका सही जवाब देते गए, ठीक है, मतलब मैं 5 क्वेश्चंस पूछूंगी टोटल, 5 या 4 क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है, तो अगर आपने उनका ठीक जवाब दिया तो आप 100 धर्म जीतोगे, ठीक है, स्टार्ट करें, ओके ठीक है, यहाँ पे बैठते हैं, स्टार्ट करते हैं गाइज, मैं क्वेश्चंस निकालती हूँ, सो गाइज मैंने ना क्वेश्चंस निकाल लिए, वो जरा बिल्ली को खाना डाल के आ रहे, तो क्वेश्चंस तो ये रहे, कहाँ गए, यहीं पे तो लिखे थे गाइज, यहीं पे लिखे थे हमने क्वेश्चंस, वेट मैं ढूंढ रही हूँ, सही जवाब ना दे वरना मेरे 100 धर्म जाएंगे, सोचो घर में 4 मेंबर्स है, 400 धर्म तो ऐसे कट जाएंगे मेरे, बहुत तेज हो रहा है, ओके चलो ठीक है,
ठीक है ओके पहला ऐसा अच्छा पहेलियां है ठीक है मतलब ये थी इंग्लिश में मतलब ये ट्रिकी क्वेश्चन से बट मैंने ना इनको उर्दू में कन्वर्ट किया है बट आपको समझ में आ जाएगा ठीक है इंग्लिश में भी करती है तो समझ हाँ लेकिन इंग्लिश का मतलब क्योंकि इतना वो टैकल करना इजी होता है क्योंकि ऑडियंस भी सारी चीजें तो इस वजह से ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है पर अपनी जगह से नहीं हिलती ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है पर अपनी जगह से नहीं हिलती जीव जीव जीवरो मतलब वो चीज क्या है लिविंग थिंग है ये तो बताना पड़ेगा ना नहीं लिविंग थिंग नहीं है एंड वैसे मैं आपको ये हिंट नहीं देना है बट मैं स्टिल आपको दे दिया क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है बट ये फर्स्ट क्वेश्चन में हिंट दे दिया अब नहीं दे सकती मैं लिविंग थिंग नहीं है लिविंग थिंग नहीं है Living thing नहीं तो क्या होता है? Non-living thing. नहीं पता भाई. सोचे ना थोड़ा सोचे. यार कभी. पर hint देती हूँ. Daily use की चीज़ है. मतलब daily use की चीज़ मतलब daily हाँ मतलब daily use की चीज़ है. हमारे घर में सबसे जीव रखे. ऊपर भी जाता था. हाँ. और हिलती भी नहीं. क्या? ना ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है पर अपनी जगह से नहीं हिलती घड़ी टाइम नो डैड नो टाइम ही है नहीं 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 देखें सवाल पे गौर करें क्या है ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है पर अपनी जगह से नहीं हिलती ठीक है मतलब ऊपर भी ठीक है नीचे भी जा रही है पर वो अपनी जगह से नहीं हिल सकती लाइट बल्ब नो ओके स्किप इसी पर स्किप कर दिया तो स्किप इसका सही आंसर स्टेयरकेस सीढ़ियां स्टेयर्स सीढ़ियां देखो ऊपर भी नीचे भी लेकिन अपनी जगह से नहीं हिलते अब्बू का पहले ही अब्बू का ओके ठीक है पर अभी भी वी स्टिल हैव फोर क्वेश्चंस सो लेट्स सी ठीक है थोड़ा अब्बू को थोड़ा इजी वाला अब देख के देखते हैं yes, ऐसा कौन सा टीवी है जो आपको देखता है आरवीटीवी ऐसा कौन सा टीवी है जो आपको देखता है मतलब ये ट्रिकी क्वेश्चन है ठीक है मैं देखते हैं ये ट्रिकी क्वेश्चन सोचते हैं आपको तो भाई कैमरा हो गया ओके बट व्हाट इट्स कॉल्ड आरवीटीवी व्हाट इज कॉल्ड मीन मतलब ऐसा कौन सा देखो सवाल में ही जवाब है ऐसा कौन सा टीवी है जो आपको देखता है आपको आंसर पता है पापा कौन सा ये ब्लर तो नहीं है गाइस नहीं आई थिंक ब्लर तो नहीं है ओके कौन सा टीवी यार ये तो टीवी का ऐसा कौन सा टीवी है जो आपको देखता है भाई कैमरा हो गया ना कैमरा हां कैमरा ओके ओके ठीक है फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई केस हुआ है ठीक है समय पहले क्या चेक होता है कैमरा बोल के बात को वो कर दिया है मतलब ठीक है ओके गाइस इसको मैं थोड़ा करीब करी बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि मेरा ये क्लियर हो कहीं बाद में ना क्लियर ही ना हो तो फिर मेरे लिए इशू हो ठीक है सो आई थिंक पुरानी वीडियोस क्या पता थोड़ी बहुत ब्लर हो बट ये वाली तो क्लियर ही होंगी ठीक है पापा ने अभी दो हो गई और एक का जवाब अब्बू ने तकरीबन ठीक दिया है ठीक है तकरीबन क्या ठीक दिया सही तो दिया सीसीटीवी कैमरा जी मतलब ओके तकरीबन ठीक है अब ये वाला और ट्रिक है ठीक है अगर मुझे ज्यादा देर के लिए रोका तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी कौन हूँ मैं अगर मुझे ज्यादा देर के लिए रोका तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी क्या हूँ मैं ये तो रिएक्शन वीडियो करने के दिमाग खाने वाला वीडियो बन गया अगर मुझे ज्यादा देर के लिए रोका तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी अगर तेरी माँ है तो हमेशा के लिए चली जाएगी नहीं 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 ओके ओके मतलब ये चीज ऐसी है कि भाई ये तो मतलब चीज ही मतलब सोचे थोड़ा दिमाग लड़ा है क्या दिमाग लड़ा है मतलब एक भाई देखो मेरी बात सुनो ये बहुत कॉमन है यार मुझे अगर रोका तो हमेशा के लिए चली जाएगी हाँ ना ऐसा कौन ऐसी कौन सी चीज है जो आप अच्छा चलो ठीक है ये तो एक पहेली है तो इस वजह से अब मैं आपसे थोड़ा उससे करके पूछ लेती हूँ ऐसी कौन सी चीज है जो हम रोक नहीं सकते और अगर हमने रोक ली जानते पूछते हमने रोक ली तो वो चीज चली जाएगी हमेशा के लिए चली जाएगी
हमने अगर वो चीज जानते पूछते रोक दी तो वो चीज हमेशा के लिए चली जाएगी। सांस। यस। सांस। देखो मैंने ना थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा वो मतलब नहीं आपके डेफिनेशन में जो है ना थोड़ा सा वो था आप उसको सही तरीके से पूछती ना तो ये इसमें कंफ्यूज यही तो है ना यही तो है यही तो चीज है। बट नहीं मतलब देखिए आपका ठीक है मतलब आंसर ठीक है बट अभी देखिए अभी आपने दो सही दे दिए ठीक है अभी ये वाला जो होगा इसमें मैंने बिल्कुल भी आपको वो नहीं करना वरना तो फिर आप जीत जाएंगे पैसे जीत जाएंगे। गाइस मैं ना बहुत ज्यादा अभी हार्ड पूछती हूँ बिकॉज ठीक है हाँ ये वाला पूछती हूँ वाला पूछती हूँ इसका तो आंसर आपने तो ये उठा नहीं मिला यार। ऐसी कौन सी चीज है जिसको आपने नहीं मांगा पर आपको मिली और उसके बगैर आप कुछ नहीं हो और वो आपके साथ जिंदगी भर रहेगी। बीवी रहेगी मतलब रहेगी यही होता है जो आपने कभी भी नहीं मांगी पर आपको मिली और उसके बगैर आप कुछ भी नहीं हो बीवी वो बहुत इम्पोर्टेंट है। रूह हमने नहीं मांगी पर अल्लाह ताला ने हमको दी दुनिया में आने की बात है तो वही बात है ना। ओके मतलब कनेक्ट कहीं ना कहीं से ये चीज कनेक्टेड है बट आप अब दुनिया में आ गए। ओके अब इस क्वेश्चन को रिलेट करो लग रहे पास करते हैं नहीं मतलब हम पैदा हो गए और वो चीज हमको मिली या दांत अब वो आर यू सीरियस लाइक वो आपको मतलब लाइक वो इट ग्रोस नहीं ऐसा नहीं है नो दांत नहीं एंड लाइक मतलब वो चीज आपने मांगी नहीं आप अपने आपको पता ही नहीं है कुछ यूर बेबी आपने आपको पता ही नहीं है और उस चीज के बगैर आप कुछ नहीं हो। बाल अच्छा कोई बच्चा गंजा पैदा हो गया तो उसका क्या करेंगे। कहने का मकसद ये है कि हमको वो मिली और हमको वो मिली और हर किसी को ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में इसको नहीं मिली और उसके बगैर हम कुछ नहीं है और जब तक हम मरेंगे जब तक वो हमारे मरेंगे मरने के बाद भी वो चीज हमारे साथ मतलब वो चीज है मतलब वो आपने नहीं बोला आपको वो चीज मिली क्यों है इस तो यार माला कती हरे इस तो शौक से दी जाती है कती हरे आंसर था पाम जस्तो उनसे पास कर दो नहीं यार ये सवाल सवाल सही है ये वाला जो था ये वाला तो उर्दू में ही था ये वाला जो अच्छा अगर इसका जवाब सही नहीं हुआ ना तो मैं फाइट करूंगा तुमसे इस बात के ऊपर भाई ओके ठीक है मैं इसका आंसर दे रही हूं और मैं आपको पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर दूंगी ठीक है पास करो पास किया कैमरा में पास किया गाइस हमने 50 धर्म जीते 100 जीते ओके ठीक है चलो मैं आपको भी क्वेश्चन वापस से भी करके सुनाती ठीक है। ऐसी कौन सी चीज है जिसको आपने नहीं मांगा तो जब बच्चा पैदा होता है माँ बाप से वो नाम नहीं मांगता पर उसको मिली और उसके बगैर वो कुछ नहीं है और नाम के बगैर बच्चा या बुड्ढा हो या किसी भी एज का उसके वो उसके बगैर कुछ नहीं है आइडेंटिटी के मतलब उसके बगैर वो कुछ भी नहीं है और मरते मतलब मरने के बाद वो आपके साथ ही रहेगा नाम आपका नाम नहीं आपका पीछा छोड़ेगा कभी भी सो नाम अब वो आप इसे फाइट नहीं कर सकते। आई वाज राइट अगर मतलब एकदम से अबू का पहले से ही माइंड होता ना कि यार मैंने ना अबू को भी चलते चलते रोका है तो मुझे सबसे ज्यादा डर अब्बू से था और अब है गाइस सॉरी ये बिल्लियां तंग कर रही हैं अभी मुझे डर है अयप्पी से क्योंकि अयप्पी बहुत शातिर है तो अभी चलते हैं नेक्स्ट खिलाड़ी के पास देखते हैं कौन सी है। सो हम वेलकम करते हैं अपने व्लॉग में आयुष भाई का वेलकम आयुष भाई वेलकम हां ठीक है आज होगी बेइज्जती यस वो भी प्रो मैक्स क्योंकि मैं भाई से अच्छा भाई को क्योंकि पहेली का मतलब नहीं पता तो मैंने उनको समझा दिया है कि पहेली होती है ट्रिकी क्वेश्चंस पहेली का मतलब ये है कि पहलो पहली के मतलब ये कि आगे वाली पहले वाला लो बस यहीं से आप आईक्यू का हिसाब लगा सकते हैं। नहीं देखो अगर आपको वो उसमें समझ में नहीं आ रही उर्दू या हिंदी में तो मैंने ये बात आपको इंग्लिश में बता दी कि वो होते हैं ट्रिकी क्वेश्चंस आईक्यू नो वाटर पीना अलाउड नीचे रख दें ओके स्टार्ट ओके ठीक है। What color eyes are the most sensitive to light?
ग्रीन ब्राउन ब्लू ब्लू तो पहली बोलती हो और इंग्लिश में क्यों बात करती हो मतलब नहीं देखो ये आईक्यू टेस्ट है मतलब इसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं और पहली भी आ सकती है ठीक है ओके मैं अब ये बात को उसमें बोलती हूँ हिंदी में बोलती हूँ कि कौन सी कलर मतलब कौन सा आंखों का कलर एपी जो तुम नहीं मैं तो बैठी ओके ओके बोलो बोलो कौन सी आंखों का कलर सब में ज्यादा लाइट से सेंसिटिव होता है ग्रीन ब्राउन या ब्लू और क्यों ब्लू ब्लू अब क्यों क्यों रे यार अब क्यों के पास अरे अच्छा क्यों अरे यार इतना सिंपल सा नहीं होना चाहिए ठीक है देखो देखो मुझे क्या लगता है कि देखो ग्रीन तो नहीं होती और कौन सी ब्राउन बोली थी ना ब्राउन भी नहीं होती क्योंकि मेरी ब्राउन है सेंसिटिव नहीं होती तुमने सेंसिटिव बोला ना yes, तो इसका मतलब ये ब्लू ही है और ब्लू क्यों है इसका मतलब ये मुझे नहीं पता ठीक है ना मेरी ब्लू है यार मुझे पता होगी यार अरे कॉमन सेंस नहीं है क्या अब ब्लू और कलर ही मतलब ऐसे ना सेंसिटिव ओके तो ये बंद हो गया था देखो ब्लू तो है ठीक है बट आपने क्या बोला कौन सा आई कलर चूज किया ब्लू ब्लू आई कलर किस बॉडी में पाया जाता है मतलब किन लोगों में पाया जाता है इतना सिंपल अच्छा चलो बॉडी किन किन लोगों में पाया जाता है एग्जैक्टली और अमेरिकन का रंग क्या होता है व्हाइट उनका व्हाइट कलर क्यों होता है क्योंकि उनकी बॉडी ज्यादा मेलानिन वो प्रोड्यूस नहीं करती अब देखो मैं इतना रिसर्च करके मैं साइंटिस्ट नहीं रिसर्च नहीं ये बहुत कॉमन सी चीज है तो भाई एक क्वेश्चन तो जीत चुके हैं एक बार जीत चुके हैं ठीक है ओके ये तो बहुत इजी है तो मैं नहीं पूछ रही अरे पूछो ना क्यों आप ले मेरे को ऐसा मुझे नहीं अब उसको पता चल गया ना मेरी आईक्यू में कितना नॉलेजेबल कितना ग्रेजुएट हाईली क्वालिफाइड हूं मैं उनके रीजन पूछी तो रीजन मुझे ही बतानी पड़ी लो अब रीजन मुझे तो आंसर अब अल्लाह करे ये लाइन को इतना इजी है व्हाट इज ब्रेन एन ऑर्गन अ मसल ऑफ हेड टिश्यू व्हाट इज ब्रेन ब्रेन क्या है एक ऑर्गन है मसल या फैट टिश्यू है फैट टिश्यू दो मसल तो नहीं ऑर्गन है यानी कि मसल है देखा मुझे पता था इसलिए मैंने वो आंसर क्यों चूज नहीं किया क्योंकि मैंने जो जो गलत थी वो चूज किया फर्स्ट में क्योंकि करेक्ट वन लास्ट में बोलूंगा ओके तो सही क्या कुछ कुछ भी नहीं देखा अरे ब्रेन ऑर्गन है भाई गाइस आई यू गाइस गॉड इसको देखो देखो ये कन्फ्यूज किया जा रहा है जा रहे हैं इसमें बस मुझे कोई आंसर अब वो लोग खुद हंस रहे ना अब मैं मतलब थे अब मैं ये ना आपसे पहेली पूछती हूँ आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा तो अब अभी तक क्या पूछ रही तुम नहीं मुझे पहेली बोल के मतलब इधर साइंस के क्वेश्चन पूछ रही है नहीं 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 ये भी उसमें आईक्यू टेस्ट में आते हैं ठीक है ये आईक्यू टेस्ट में आते हैं फिर मैंने बोल दिया ना ओके ठीक है मैं ऐसा ड्रेस हूँ जिसके पास आप हमेशा आओगे चाहे जितने थके हुए हो क्या मैं ऐसा ड्रेस हूँ जिसके पास आप आओगे चाहे जितने थके हुए हो बेड तुम तो नहीं यार तुम्हें क्या मसला है अपने की तो बार बार आंखें ऐसे उठ रही हैं क्योंकि इसका दिमाग बहुत चलता है गाइस ब्लैंकेट वाह यानी इनको सिर्फ सोने की सोचती है नहीं तुमने क्या बोला मैंने बोला कि मैं ऐसा कौन सा ड्रेस हूँ चाहे आप जितने भी थके हुए हो आप आओगे चड्डी अरे भाई क्वेश्चन में ही आंसर है मैं वापस सुनो मैं ऐसा ड्रेस हूँ जिसके पास आप हमेशा आओगे आंसर लिखे देख रहे हैं कॉपी में नहीं, मैं ऐसा ड्रेस हूँ आप मतलब उधर ही आओगे लौट के और क्वेश्चन में ही वो है आंसर है ठीक है ड्रेस हाँ ड्रेस
नहीं ना मतलब वो जगह है ना, वहाँ पे कोई सब नहीं आंसर है वाले ड्रेस ड्रेस बोल रहे हो देश बोल रहे हो ड्रेस ऐसा ड्रेस मतलब देखो क्वेश्चन में ही आंसर है। वापस सुनो, मैं ऐसा ड्रेस हूँ जिसके पास आप हमेशा आओगे चाहे जितने थके हुए हो, इतना मैं ऑब्वियस कर रही हूँ अब तो, चाहे आप जितने थके हुए हो आप उसी ड्रेस था क्यों क्यों सेंस यू हैव नो सेंस इसका आंसर है एड्रेस, इसका नहीं मैं खुद ही दे रही, इसका आंसर है एड्रेस एड्रेस फालतू क्वेश्चन फालतू नहीं है ये क्वेश्चन है। आएंगे मम्मी अभी करके, गाइस मम्मा आ गई थी तो मुझे क्लोज करना पड़ा तो अबे ये फालतू फालतू एड्रेस कौन सा एड्रेस एड्रेस मैं आपको बता रही हूं यार साइंस मुझे छोड़ो ठीक है ओके अब मैं ना अब तो कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे जिसकी सेंस भी बने। चलो ठीक है आपको दिया बहुत इजी चांस दिया आपको ठीक है okay. अब तो आप खुश हो जाओ ठीक है okay. पी से पी से पांच कंट्रीज के नाम बता दो। चलो पी से पेरिस तीसरा हो गई सही क्या बोलते हैं उसको सही है पेरिस पुर्तगाल वेरी गुड सिर्फ दो रहती हैं और चौथा हो गई पाकिस्तान और पंजा हो गई पाकिस्तान पीकर पंजा पांच हो गए नहीं फलस्तीन पुर्तगाल पेरिस पाकिस्तान और पी से पोखरा कंट्री का नाम बुखारा बुखारा इज अ सिटी ओके ओके आई एम टेलिंग वेट पी से और कौन सा था यार देखो पैलेस्टीन वो पाकिस्तान पोलैंड पुर्तगाल मतलब देखो मुझे ही पता नहीं है ठीक है क्योंकि मैं कहीं गया नहीं मतलब ना ना जाके नहीं पता ना कंट्री का नाम बताओ देखो उसको नहीं बताया वो भी बोल दिया मैंने पाकिस्तान बोल दिया पाकिस्तानी बोल दिया पाकिस्तानी बोल दिया पोलैंड पोलैंड मैंने जीत लिया गाइस चलो इनको मैं फेयर ये देती हूँ ठीक है तो ये दो आंसर हैं इनको 50 धर्म्स मिलेंगे अब्बू को भी 50 धर्म्स इनको भी गलत है रिकॉर्डिंग है मेरे पास पहले ऐड करके जाते हैं आयुष भाई हार चुके हैं आयुष भाई को सिर्फ 50 धर्म मिले हैं 50 धर्म नहीं 60 मिले ऐसे कर कहाँ गई हार गए बहुत बुरी तरीके से बहुत डिसअपॉइंटेड चले हम नेक्स्ट चलेंगे जब खाना खा लेंगे लोग तो ये फालतू सोएगा जिसको बायकॉट करो कोई बायकॉट नहीं करो मेरा शो बहुत अच्छा है। सो हम वेलकम करते हैं मम्मा को हमारे व्लॉग में मम वेलकम वंस अगेन तो आज क्विज होने वाला है आईक्यू टेस्ट जिसको बोलते हैं ठीक है जो आप दे दिए तो आप 100 धर्म जीतोगी और अगर दो दिए तो 50 अगर एक ही दिया सिर्फ तो 20 ठीक है तो ऐसे है ठीक है और प्लस इससे पता लगेगा लोगों की घर में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है आयुष भाई और अब्बू का अभी तक हो चुका है और दोनों ने दो दो सवाल अभी तक किसी के भी चार या तीन नहीं हुए हैं। मैं आपसे पहेली पूछने वाली हूँ आप रेडी हो यस रेडी ठीक है ऐसी कौन सी चीज है जिसका अंगूठा और उंगलियां होती हैं पर वो जिंदा नहीं होती जिसका अंगूठा और उंगलियां होती हैं जिसकी थंब और फिंगर्स होती हैं पर वो जिंदा नहीं है चीज वो जिंदा नहीं है चीज अब वो आप भी मदद नहीं कर सकते क्या अब्बू को सुने सही ओके मदद देखिए आप कैमरे उधर ना देखिए ना आप कैमरे पे देखिए ओके ऐसी कौन सी चीज है जिसका थंब होता है फिंगर्स होती है और वो जिंदा नहीं होती हाँ ऐसी कौन सी चीज है और सिर्फ था मोर उंगलियां नहीं होती है अल्लाह भाई ऐसे किसी जिंदा नहीं है मेरा फिर से सुनो भाई सुन लो क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो रही हो ऐसी कौन सी चीज है जिसका थंब और फिंगर्स होती हैं पर वो जिंदा नहीं है वो चीज जिंदा नहीं होती वो चीज मरी भी इंसान मैंने तो यही सोचे थे उसका सिर्फ फिंगर्स और थंब है हाँ तो वो मर गई है ना अच्छा तो मरा इंसान का सवाल बचता है नहीं आपने पूछा ना अरे नहीं मॉम नहीं पहनने की चीज है उसके थंब होता है फिंगर्स ग्लव्स
पास करो ग्लव्स 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 पास करो नहीं टाइम बहुत ज्यादा हो गया ना 2 मिनट हो गए पास कैंसिल हो गया ग्लव बोलने वाली थी पर बोला नहीं हाँ ऐसी कौन सी चीज है जो शहजादा शहजादी के भी ऊपर है क्या जो शहजादा शहजादी के भी ऊपर है मतलब ताज ये वाह गुड गुड इतना इजी यार ये तो इजी था इनके लिए तीसरी अच्छा मम्मा अम्मी का अच्छी अम्मी का जल्दी जल्दी हो रहा है लोगों ने तो इतना टाइम लगाया वैसे ग्लव्स में बोलने वाली थी रियली बस मैं ग्लव्स बोलने वाली हाँ मुझे भी लग रहा था लेकिन क्यों टाइम पूरा हो गया ना यार तो उसमें टाइम का क्या है पहले पूछे में टाइम थोड़ी होता है अच्छा तो ऐसे तो आप करके रख लो फिर मुझसे कल जवाब दो कल जवाब देती ऐसी कौन सी जगह है जहाँ समंदर तो है पर पानी नहीं है समंदर है कौन सी जगह है समंदर आंखें अच्छा आंखों में समंदर है नहीं पानी आता है ना नहीं ना समंदर है मतलब समंदर है पानी ऐसी कौन सी जगह है ठीक है मतलब ये एक पहेली है समझने की कोशिश करें पहेली है ओके ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे समंदर है पर वहाँ पानी नहीं है बस समंदर वहाँ पे पता है कि हाँ यहाँ पे समंदर लेकिन समंदर है या सिर्फ पानी है ये बता सवाल देखिए फिर आप गलत सवाल कर रहे नहीं मैं क्यों गलत सवाल नहीं ना मैं आपसे कर रही हूँ समंदर है और पानी नहीं है ऐसी कौन सी जगह है जहाँ समंदर है पर पानी नहीं है समंदर है सबसे मुश्किल सवाल अपनी अम्मा को ही दिए हैं इसने नहीं इजी है ये तो बहुत इजी आप सोचो मतलब ये आप खुद भी जानती हो उसका लेकिन अभी क्या एकदम से वो मैं आई हूँ ना पूछने तो एकदम से पूछने मैंने किसी को इस वजह से पहले नहीं बताया था भाई एकदम मैं पहले था सबको पहले पहले बताऊंगी बेटे अब मैं एकदम से आई हूँ समंदर है पानी नहीं क्या होता है दुनिया में है वो जगह हाँ दुनिया मतलब वो समझो मैं क्वेश्चन बार बार मैं कह रही हूँ समझो ऐसी कौन सी चीज है जहाँ समंदर तो है पर वहाँ पानी मौजूद नहीं है ओ समझ गई समंदर का जो साहिल होती है जमीन होती है वो वहाँ पे पानी नहीं आता और वो समंदर का ही हिस्सा है जगह जगह नहीं है देखो अभी तुमने क्या कहा कि कौन सी जगह है और अभी देखो मतलब देखो इस सवाल में झोल है सवाल में झोल ना भाई देखो मेरी बात सवाल में झोल है ये पता मुझे घर वाले ने इस बात पे ही लड़े सवाल में हालांकि मैंने ये वाली कन्वर्ट वो की नहीं है उर्दू में ही थी हाँ कौन सी जगह है जहाँ समंदर और पानी नहीं है सोचने की बात है ना यार आप किसी जगह जा रही हो किसके जरिए जाती हो बस इससे ज्यादा हिंट मैं नहीं दूंगी किसके जरिए जाती हूँ बस इससे ज्यादा हिंट मैं नहीं दे सकती किसी ये तो जा... बहुत अच्छा पैदल जा रही हूँ गाड़ी पे यार मेरे घर वाले एकदम मैं जा रही हूँ मेरे घर वाले दिमाग 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 खाली है ये बताओ सपनों में जा रही हूँ हकीकत में जा रही हूँ अरे भाई समंदर में बहुत जा रही होती हूँ सपनों में मॉम पास कर पास ओके ठीक है मैंने आपको देखो इतना मैंने आपको हिंट क्या दिया मुझे बताओ अभी दिमाग नहीं चल रहा अच्छा देखो मेरी बात सुनो मैंने आपको हिंट क्या दिया था कि आप कहीं जाती हो तो आप कैसे जाती हो पैरों से जाती हूँ एक बात बताओ पैरों से आप कभी जाती ही नहीं हो आप हमेशा अली से गाड़ी चलाती है नहीं करो अली से गाड़ी चलाती है और फिर चलती हो ठीक है और अली से गाड़ी मैप के बगैर चला ही नहीं सकती तो जहाँ क्वेश्चन क्या है ऐसी कौन सी जगह है जहाँ समुद्र पर पानी नहीं है मैप के अंदर समुद्र नहीं 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 नहीं, नहीं 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 ये सवाल ही आपका गलत है ये पहली की गलत है मैं इसको मानूंगी पहली गलत गलत है गलत नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो क्यों भाई ये पहली मैंने बहुत उससे निकाली मैं इसको नहीं मानती सॉरी ये पहली आपने कहां से निकाली है ये उल्टी उल्टी पहली निकाल कर आई ना सर ना पैर पहली है आप सही दिया एक गलत दिया और अभी आपके पास सिर्फ 2 चांस और है ठीक है ऐसी कौन सी चीज है जो यूज होने से पहले टूटना जरूरी है इज्मा का शीशा इज्मा की ज्वेलरी इज्मा की घड़ी इज्मा का परफ्यूम इज्मा का फोन यूज करने से पहले ही टूट जाती है अंडा 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 सच्ची बताए मम्मा जो यूज करने से पहले बहुत कॉमन है बहुत ज्यादा कॉमन है खाने में
खाने की चीज है, अंडा। गुड, एग्जैक्ट। चलें दो जीत गई हैं, फाइनल मेरा धरी आई क्यू राम भाई गाइस। अभी मैं उसे पूछी मैं हम करे तो मैं आंसर दिया, वरना तो फिर 50 धरम आया पे आ गए। अच्छा चलो ठीक, ओके दो दो एक एक इसका झोल था मैप वाला, मैं नहीं मानूंगी। नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको इतना बड़ा आप ने कहा दुनिया में ऐसी कौन सी जगह, दुनिया में ये बताओ फोन कोई जगह हो, फोन कोई जगह है, रुक जाए हां रुक जाए फोन मुझे बताओ। अरे फोन नहीं मैप, ऐसी की दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पानी है समंदर नहीं है, ठीक है। अरे ऐसे के मैप के ऊपर समंदर नहीं होता। नहीं मैप तो होता है, लेकिन तुम फोन क्यों बोला तुमने? फोन नहीं बोला मैंने, बोला लीजिए मैप के बगैर नहीं, मैंने फोन बोले नहीं, मैं ये नहीं मानने वाली। चेंज करेगी ना अम्मा, ना चेंज करेगी। यस फिर मैं भी ऐसे पूछूंगी कि आप चोर ही ना पाओ। ओके okay. एक बहुत खूबसूरत बोट है, ठीक है, शिप है, एक बहुत शिप बोट कुछ भी रख लो, ठीक है, क्रूज रख लो, एक बहुत प्यारी बोट है, और पर उसके ऊपर एक भी सिंगल बंदा नहीं है। मतलब एक बहुत प्यारी बोट है, मतलब एक बहुत अच्छी बोट जा रही है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर एक भी सिंगल बंदा नहीं है। क्यों सिंगल बंदा नहीं है, डबल बंदे यानी पेयर है, यानी उसमें कोई है ही नहीं। भाई तू पहली सही पूछ, मैं बहुत मारने वाली हूँ, बहुत मारने वाली हूँ। अब देखो दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पानी है? आंसर दे दिया, दे दिया। क्यों क्या आंसर था बताओ लोगों को? सब डबल है, हाँ, क्योंकि सब मैरिड है, सिंगल बंदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सारे मैरिड है। चलो ये वाला भी इजी है, इनको इजी दे देती हूँ मैं। ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको पकड़ लेती है और उसे आप फेंक नहीं सकते? बिजली, बिजली कभी पकड़ती नहीं आपको, बिजली आप पकड़ती है। करंट, करंट, वो वाली बिजली, वाली बिजली तेरे समंदर की तरह नहीं, नहीं 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 गलत जवाब, जो आपको पकड़ लेती है। हाँ मतलब हाँ तो इतनी कॉमन बात, क्या 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 फिर से बोलना इसका तो आंसर, बस इसके दो मिनट है आपके पास। हाँ हाँ जल्दी। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको पकड़ लेती है और उसे फेंक नहीं सकते? पकड़ लेती है, फेंक नहीं सकते। फेंक, ये जो फेंकना वाला है ये पहेली घुमाने के लिए बोला गया है। पकड़ लेती है वो रियल क्वेश्चन है, ये भी आपको हिंट भी, अब तो चलो हिंट हर किसी को मैं हिंट ही दे दूंगा इस फ्री में कसम से। पकड़ लेती है क्या होता है पास, या ला औला थोड़ी अकल वाली दे देता। अरे भाई, अरे भाई पहेलियां तो देखो यार मम्मा, ये पहेली तो इतनी अच्छी है ये। अरे नहीं ना, ये पहेली बहुत अच्छी। एक सेकंड मुझे एक बात बताओ। हाँ, हाँ वो कौन सी चीज है जो पकड़ लेती है हम उसको छोड़ नहीं सकते? हाँ पकड़ लेती है छोड़ नहीं सकते, चलो करंट भी मान लिया। हाँ। लेकिन करंट, करंट का सेंस बनता है कि करंट भी करंट पकड़ लेता है। हाँ, ठीक है हाँ, तो हम उसे छोड़ नहीं सकते, बस हाँ, पकड़ ही लेता है। तो मम्मा यार ओके चलो भाई आपकी बिजली, क्योंकि ये सच्ची में इसके दो क्वेश्चन दो आंसर्स हो सकते हैं, तो बिजली वाले को भी मैं हाँ करती थी, लेकिन इसका जो सही आंसर है मुझे वो भी बताओ आप दूसरा। इसके चलो मैं आपको इसकी वैसे दूंगी मैं आपको, ठीक है, आपको आपको 70 धर्म मिलेंगे, आपने 3 क्वेश्चन सही बोला, ठीक है। पकड़ लेती है छोड़ नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते जी, आपको वो चीज पकड़ती है, वो मुझे पकड़ लेती है, वो चीज, वो चीज पकड़ लेती है आपको, अब फिर मैं उसको छोड़ नहीं सकती। मतलब आप ऐसे, मतलब वो ठीक हो, मतलब ऑफ कोर्स ठीक होती है, बट मतलब मैं आपको क्या बोल रही हूँ यार, एक तो पहेली कसम से इन लोगों ने बेड़ा गरक कर दिया। नहीं नहीं समझ में आया मेरे, कपड़ा भाई ठंड यार क्या हो गया, ऐसी कौन सी चीजें जो आपको पकड़ लेती है, ठंड आपको पकड़ती है, आप खुद बोलती है ठंड ठंड पकड़ लिया, ठंड पकड़ लिया। हमारे जमाने में तो ऐसे कहते थे ठंड के बारे में, कहते थे बच्चों को तो मैं ना छोड़ू, नहीं सॉरी भूली, बच्चों को तो कुछ ना बोलू, जवान लगे मोरे भाई,
और बुड्ढों को तो मैं ना छोड़ू जाए होड़े दो दो रसाई। ये था इसका ही पहली। हाँ तो, और तुमने पहली का कर दिया सत्या ना। नहीं भाई ये तो कोई और ही चीज है मेरी। ये भी सर्दी है। सो गाइस दैट्स इट फॉर द व्लॉग। मैंने आईपी से जाके पूछा बट बिकॉज शी इज नॉट फीलिंग वेल सो आई वाज लाइक ठीक है मैं स्किप कर देती हूँ मसला नहीं है। सो आई होप यू गाइस एंजॉयड। मेक श्योर टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। यहाँ पे मैं अपना इंस्टाग्राम और टिकटॉक भी मेंशन कर रही हूँ। मेक श्योर टू फॉलो मी देयर एज वेल। और अगर तुम लोगों को भी समझ में नहीं आई बट आई थिंक आएगी लोगों को समझ में क्योंकि पहेलियां होती ही ऐसी हैं। बाकी तो इतना मसला नहीं था बट अम्मी के टाइम पे थोड़ा सा वो हो रहा था, कंफ्यूजन हो रहा था एक पहेली को लेकर। बट क्योंकि पहेलियां होती ऐसी हैं तो कोई इतनी अब वो बात नहीं है। ठीक है तो बस गाइज अब इस ब्लॉग में यहाँ पे एंड करती हूँ और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू गाइज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। बाय बाय। खतरा वाला फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी क्रिएटिव आइडिया है बाय द वे। इज माला धेरे धेरे थैंक यू। आई थिंक इट्स लाइक वेरी क्रिएटिव आइडिया। अनि फैमिली में ये चीज धेरै मजा पनि आउँछ एंड वेरी क्रिएटिव। अनि त्यो के कस्तो हो नि ब्लग हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ यस्तो लाग्यो नि मैले आफैले गेस गरेर बसिरहेको थिएँ किनभने म त रियाक्ट म बिर्सिरह म रियाक्ट गरिरह भनेर त्यस्तै लाग्यो क्या तपाईँले। मैले त रियाक्ट गरेर होइन म त त्यही आन्सर के होला भनेर सोचिरहेको थिएँ कि। सो ब्लग वाज भेरी भेरी इन्ट्रेस्टिङ। Hopefully this is also the not the last one that I'm reacting is my good blog because I hopefully think that you'll still bring a lot of interesting blogs. किनभने यस्तो ब्लगहरू चाहिँ अलिक इन्टरटेनिङ हुन्छ क्या, राम्रो हुन्छ अनि फन टाइम हुन्छ फ्यामिलीसँग। अनि या त्यो प्यारिस त झन् प्यारिस पोर्चुगल माई गड इट वाज ग्रेट, इट वाज ग्रेट, इट वाज फन रियाक्टिङ इज माई ब्लग। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ गाइज। इफ यु लाइक दिस भिडियो डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब टु द च्यानल एन्ड सी यु इन द नेक्स्ट रियाक्सन भिडियो। त बाई।